जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जिसका हर मेंबर को जरूरत होता है। इस टाइम में जो है हर आदमी का आना है वगैरह निकले, छोटी छोटी पार्टियां करते हैं, उसमें मनोरंजन के लिए होम थिएटर या डीजे टाइप का आनंद लेना चाहता है उस टाइप का आवाज में। तो दोस्तों, एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है जेट प्रोग, और इसका मॉडल नंबर है थंडर प्रो। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मुझे 3150 रुपये में अमेजोन से मिला है, जो कि अभी इसका प्राइस 4000 समथिंग का है और डिस्काउंट में अभी चल रहा था, जो कि मैंने इसे बाय किया हूँ। अगर आप भी बाय करना चाहते हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें आपको वायरलेस माइक भी मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। तो दोस्तों, यह प्रोडक्ट मुझे कल ही डिलीवर हुआ था, मुझे मिल गया था अमेजोन की तरफ से, लेकिन मैंने इसे इस वीडियो को अनबॉक्सिंग मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने रात भर कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल किया हूँ कि नहीं नहीं इसको नहीं ओपन करना है, ओपन करना है तो अपने दर्शकों के सामने ओपन करना है, क्योंकि उनको मैं फर्स्ट रिव्यू और इसका रिव्यू कहिए या अनबॉक्सिंग कहिए, सारे चीज़ मैं इसमें एक तो बारीकी से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, और आपको मजे भी आने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट में इससे कुछ करेगा फिर शाउंड उतार के आप लोगों को भी सुनाने वाला हूँ, फील होगा। तो मैं देखता हूँ दोस्तों, आप लोगों को इसमें इससे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इधर से स्टिकर है, मैं इस स्टिकर को नाइफ से काटता हूँ, तो इसमें देख सकते हैं क्या है। ये प्यारा सा माइक है, चलिए माइक को हम साइड में रखते हैं, उसके बाद इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या कंटेंट है। उसके बाद ये यूजर मैनुअल है, और इसमें इसे भी साइड में रखते हैं। हम हमारा पहला फोकस रहेगा इस स्पीकर पे, स्पीकर कैसा है, हटाओ ये सब काम झाम को हम इधर से उधर फेंकते हैं। चलो निकल जाओ भाई, कंडीशन चेंज, बहुत बढ़िया। इस बड़े बॉक्स को भी इधर फेंकते हैं, नहीं फेंक नहीं रखते। और उसके बाद दोस्तों, यार चम्मच चमाते एक पॉली बैग के अंदर, पॉली बैग हम हटाते हैं दोस्तों। उसके बाद ये देखिए आपका फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन दोस्तों। ये फुल पॉली कार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का बॉडी है, आप इसका आवाज सुन पा रहे हैं, और बढ़िया ठोस टाइप का दिख रहा है। बाकी ये क्या है, मेटल का है जो ऊपर जाली बना हुआ है स्पीकर का, और 30 वाट का ये स्पीकर है, और इसके अंदर में दो छोटे छोटे मतलब सॉरी चार छोटे छोटे जो कि झनकार वाला स्पीकर होता है ना, आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ दिख रहा हूँ, ये देखिए एक ये और एक नीचे और एक इधर है, मतलब चार झनकार टाइप का छोटे छोटे स्पीकर है। उसके बाद एक बेस वाला स्पीकर है, और पीछे आप देख सकते हैं ये जो प्रोकर का ब्रांडिंग सीरियल नंबर के साथ मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद इधर एक पकड़ने वाला हैंड से। तो दोस्तों, इससे आप टीवी लैपटॉप और किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप इसके अंदर मैं देखता हूँ दोस्तों क्या क्या है। ये जो पहला सर दोस्तों आपको ये राइट साइड में जो वॉल्यूम रोकर है, ये आपका माइक का वॉल्यूम है। आप माइक जैसे इसको ऑन करेंगे उससे ये मतलब वॉइस आप दे सकते हैं कितना जितना अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर जो आपको ये रहा, ये एक बटन है, ये आपका FM का बटन है जिससे आप FM बजा सकते हैं। उसके बाद ये जो रहा, यहाँ से आप क्या ने एक ये वायरलेस स्पीकर भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं।
इस वाले बटन से एक वायरलेस स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये दोनों जो बटन है इससे आप क्या करते हैं, जैसे इको माइक का जो इको है कम ज़्यादा, जैसे कि कम ज़्यादा आपको इको अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। दोनों जो है ना बटन को आप यूज़ करके अपने हिसाब से इको को कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी मतलब जैसे कि पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कार्ड रीडर लगा सकते हैं, गाने बजाने के लिए आप पेन ड्राइव और कार्ड रीडर लगा सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ये पतला सा जो छेद दिख रहा है इसमें आप डायरेक्ट चिप्स मेमोरी कार्ड जो होता है चिप्स, आप डायरेक्ट यहाँ पे चिप्स भी लगा सकते हैं, बिना कार्ड रीडर का भी आप इससे बजाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिससे कि कार्ड रीडर लगाया या मेमोरी कार्ड लगाया उसको प्ले करने के लिए ये वाला बटन जो है ना, ये बटन से आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला दो बटन जो है, इस दोनों बटन से आप जैसे गाने को नेक्स्ट गाने को चेंज कर या हाँ इसे गाने को बढ़ाने के लिए या चेंज करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये है इको कम करने के लिए, इसका जैसे झनकार वगैरह हो गया कम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये है आपका, इसको कह सकते हैं पावर बटन या म्यूजिक का वॉल्यूम, मैन वॉल्यूम, ये है आप इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए दूसरा जगह कोई भी सिस्टम नहीं है, जैसे देखो हाँ इससे ऑन हो जाता है। हाँ दोस्तों एक तो मैंने मेन बात आपको बताना ही भूल गया, स्पीकर में आपको लाइट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे Your Zook Rocker is ready to pair. देखिए यहाँ पे बोल रहे Your Zook Rocker is ready to pair, मतलब पैर के लिए तैयार है। आप जैसे जैसे आवाज निकल गया तो उसके बाद जो है आप अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ ऑन है इसका, क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन से, प्रॉपर डिवाइस सक्सेसफुली हो गया है कनेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसका म्यूजिक टेस्ट करने वाला हूँ। उनके अंदर आप इसे म्यूजिक बजाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप डीजे आपके घर में बज रहा है और आप नाचने के लिए बेचैन हो जाओगे। और किसी छोटे मोटे बर्थडे पार्टी वगैरह में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों अभी एक और जादू से बैठा रहा तो बाकी रह गया, क्योंकि मैंने माइक का टेस्ट किया नहीं है कि माइक इसका आवाज़ कैसे देता है। तो चलिए दोस्तों मैं माइक को भी इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, एक बार मैं पहले देखता हूँ इसमें। दोस्तों इसमें पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों मैंने पहले इसके से आपको बताया था, यूज़र गाइड मैनुअल है, आप इसे कोई नहीं पढ़ता, इसे मैं भी नहीं पढ़ने वाला, इसको इधर साइड में रखता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर क्या है, यो माय गॉड, क्या एटीएम कार्ड? नो, एटीएम कार्ड भी नहीं है ना ही पैन कार्ड है दोस्तों। ये एक जो ब्रोकर का जो है ना वारंटी कार्ड है, जो कि आपको प्लास्टिक कोटेक में मिलता है। यहाँ पर आपका जो आपको ये सिस्टम है इसका सीरियल नंबर मेंशन किया गया है और इसका ब्रांडिंग और मॉडल, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है इस मतलब बढ़िया ब्रांड है, सर्च कीजिएगा नेट पे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप वहाँ जाकर इसका सर्विस करा सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं अभी साइड में रखता हूँ, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुझे 2 साल तक इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम साइड में फेंकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर देखते हैं, ये रहा एक आपका USB 2 LG 3500 कनेक्टेड, ये कहने ये चार्जिंग के लिए आपको ये दिया गया है, जैसे आप अपना मोबाइल चार्जिंग से ही इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसमें बैटरी बैकअप जो है ना 2 घंटे प्लस है। इसके साथ में अडेप्टर नहीं दिया गया, आप अपना फ़ोन का अडेप्टर यूज़ करके इसे चार्ज कर सकते हैं। चलिए इसे हमें अभी साइड करना है, क्योंकि हमारा अभी स्पीकर बहुत ज़्यादा चार्ज है, इससे हमें अभी गाने बजाना है। तो दोस्तों इसको हम साइड में फेंकते नहीं रखते हैं। और दोस्तों आपको ये देखिए, केबल है डबल ऑक्स, मतलब यहाँ से जो मैंने बताया था ऑक्स के यहाँ पे एक है लगा हुआ, यहाँ आप कनेक्ट ऑक्स मोड, और इसमें जो है ना लैपटॉप में कनेक्ट करके या जिसमें कि ब्लूटूथ नहीं है उसमें ये पोर्ट लगाने के बाद आप इसमें गाने बजा सकते हैं। इसमें एक और माइक मतलब माइक का दिया हुआ ऑप्शन है, ये बड़ा वाला जो होल ये दिख रहा है, यहाँ पे आप एक और माइक अगर चाहेंगे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये अभी हमें वायरलेस माइक दिया है, जैसे ये वायरलेस माइक दिया है। और ये माइक देखिए दोस्तों कितना ही यूनिक टाइप का है, लगता है कि जैसे कि वो कोई स्टेज शो में प्रोग्राम में जो माइक लेकर के हाथों में ऐसे लेता है और गाने गाता है, देखो हाथों में दोस्तों ऐसा ही फील हो रहा है कि मुझे कोई स्टेज वाला माइक मिल गया है। तो चलिए हम माइक को इसको क्या करते हैं,
तो यहाँ पे दोस्तों माइक में देखिए यहाँ जो इसका एक ब्रांडिंग दिया हुआ है जो वाइट कलर में है, ये विजिबल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। तो और दोस्तों बड़े वाला माइक में जैसे पीछे ये खुलता है, वैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये खुल रहा है दोस्तों। और उसके नीचे इसके नीचे दो बैटरी लग रहा है जो कि पेंसिल टाइप का। दोस्तों इसके लिए मैं बैटरी मंगा के रख रखा हूँ। तो दोस्तों ये रहा बैटरी, चलिए इस बैटरी को हम इसमें बैटरी लगाते हैं। और उसके बाद ये एक लगा दिया मैंने एक, और ये दूसरे भी लगा दिया। लगाने के बाद अब इसको मैं इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो मैं टेस्टिंग, हेलो हाय। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जिस स्पीकर का आवाज ऐसा है जैसे कि आप लोगों को कोई पार्टी प्रोग्राम या फंक्शन या किसी भी स्टेज शो में आवाज जो सुनाई देता होगा वैसा ही आवाज इस माइक का है। तो दोस्तों इस माइक को, इस स्पीकर को वाई करना लाजमी होता है, क्योंकि देखिए मैं इस माइक को इतना डिस्टेंस के साथ बोले जा रहा हूँ तो आवाज इतना बुल्ले और अच्छी आवाज आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं इस में एक म्यूजिक प्ले करके कराओके सॉन्ग बजाने वाला हूँ और इस माइक से उस गीत को साथ में गुनगुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस YouTube चैनल पर अब धमाल कमाल बहुत ही मनोरंजन होने वाला है, क्योंकि हमारे पास म्यूजिक सिस्टम और एक माइक आ गया है। इस माइक से मैं आपसे एक बीच बीच मनोरंजन और गाने का भी लुत्फ देता रहूँगा, क्योंकि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी को वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं एक और दूसरे गाने को गा देता हूँ कुछ, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा और क्या है कि मेरा उत्साह बढ़ते जा रहा है, मैं इतना ज्यादा गाने का मेरा दिल कर रहा है, मैं क्या बताऊं, वैसे मुझे ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है। चलिए हम अभी दूसरे गाने को ले चलते हैं। जी का
डाला जिसके लिए और दोस्तों अपने दोस्त यार फैमिली मेंबर के पास में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अमेज़न का लिंक दिया गया है, आप वहां से बाय कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बने रहिए इसी तरह।